गाइस फाइनली हमारे गेम के अंदर आने वाला रेड बनी बंडल का ऑफिशियल अपडेट निकल के आ चुका है। मतलब गाइस गेम के अंदर आप लोगों को रेड बनी बंडल कब देखने को मिलेगा फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। बस इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रेड बनी बंडल के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब गाइस रेड बनी बंडल आप सबको गेम के अंदर कब देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट कौन सा डेट को देखने को मिलेगा, ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। और गाइस बाकी ऐसे ही वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट गोल्ड रोल बंडल का भी रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ गेम के अंदर आने 100% कॉम्फर्म एक फेडरल इवेंट का भी रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, एक रिंग इवेंट का भी रिव्यू करके दिखाने वाला। तो गाइस आप लोग बस ये वीडियो बिना स्किप करके लास्ट तक जरूर देखना। और बाकी देखो अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलो गाइस अब बिना कोई टाइम वेस्ट करके सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हाँ। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं सबसे पहले गेम के अंदर आने वाला 100% कंफर्म एक फेडरल इवेंट के बारे में। मतलब गाइस गेम के अंदर कब यानी कौन सा डेट को कौन सा न्यू फेडरल इवेंट आएगा और आने वाला फेडरल इवेंट में आप लोगों को कौन कौन सा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, चलो अभी मैं आप लोगों को सारे रिवॉर्ड्स का रिव्यू करके दिखा देता हूं। हाँ तो गाइस यहां पे देखो ये वाला न्यू फेडरल इवेंट जो कि आप सबको बहुत ही जल्दी गेम के अंदर देखने को मिलेगा। जिस फेडरल इवेंट में आप लोग देखिए तो सबसे पहले आप लोग को एक न्यू अराइवल एनिमेशन देखने को मिलेगा। जी हां गाइस बिल्कुल सही सुना। मतलब गाइस अभी आप लोग को स्क्रीन भी जो अराइवल एनिमेशन यानी कि जो प्रोफाइल एनिमेशन देखने को मिल रहा, इसी प्रोफाइल एनिमेशन की आप सबको बहुत ही जल्दी सेम ऐसे फेडरल इवेंट गेम के अंदर देखने को मिलेगा। और गाइस बाकी देखो मैं अगर ये प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में बात करूं तो गाइस सच में मेरे को तो ये प्रोफाइल एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। पर देखो गाइस आप लोग को ये न्यू प्रोफाइल एनिमेशन कैसा लगा कमेंट पे जरूर बता देना। और गाइस बाकी उसी के साथ यहाँ पे देखो इसी फेडरल इवेंट में आप लोग को एक व्हीकल की स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो व्हीकल की स्क्रीन का डिजाइन और कलर वगैरह ऐसा कुछ रहेगा। तो देखो जो भी अगर आप लोग भी आने वाला ये फेडरल इवेंट से कोई भी को निकालना चाहते हो, मतलब वैसे अगर आप लोग व्हीकल की स्किन निकालना चाहते हो, ये न्यू अराइवल एनिमेशन निकालना चाहते हो, तो हमारे गेम के अंदर आने वाला ये फेडरल इवेंट का वर्ड जरूर कर लेना। क्योंकि गाइस अभी मैं आप लोग को ये जो फेडरल इवेंट का रिव्यू करके दिखा रहा है, ये वाला फेडरल इवेंट आप सबको हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जो की फाइनली ऑफिशियली 100% नहीं बल्कि 200% कंफर्म हो चुका है। हाँ तो गाइस अभी तो मैं आप लोगों को गेम के अंदर आने वाला 100% कंफर्म फेडरल इवेंट का रिव्यू करके दिखा दिया। चलो गाइस अब वीडियो में आगे बढ़कर बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गेम के अंदर आने वाला 100% कंफर्म एक रिंग इवेंट के बारे में। मतलब गाइस हमारे गेम के अंदर कभी नहीं कौन सा डेट को कौन सा न्यू रिंग इवेंट आएगा और आने वाला रिंग इवेंट में आप लोग को कौन कौन सा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, चलो अभी मैं आप लोग को सारे रिवॉर्ड्स का रिव्यू करके दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो ये वाला रिंग इवेंट जो कि इंडियन और बांग्लादेश सर्वर के लिए 100% कंफर्म हो चुका है। जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुना। अभी आप लोग स्क्रीन भी जो रिंग इवेंट देखने को मिल रहा है, ये वाला रिंग इवेंट आप सबको हमारी गेम के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली 100% कंफर्म हो चुका है। जिस रिंग इवेंट में आप लोग देखिए तो एक नहीं बल्कि आप लोग को दो बंडल देखने को मिलेगा, जो दोनों बंडल का अलग अलग कलर रहेगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाला रेड बंडल, जिस बंडल का रिव्यू आप लोग देखिए तो कलर वगैरह डिजाइन वगैरह ऐसा कुछ रहेगा। तो देखो जो भी मेरे को तो ये वाला रेड बंडल काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा। और बाकी देखो ये रेड बंडल में आप लोग को कुछ स्पेशल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब गाइस यहाँ पे देखो जब भी आप लोग ये बंडल यूज करके मेडिकेट यूज करोगे तो आप लोग को ऐसा कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग भी देखी तो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा। और गाइस बाकी यहाँ पे देखो ये जो ब्लू बंडल देखने को मिलेगा, ये बंडल का डिजाइन और कलर वगैरह ऐसा कुछ रहेगा। मतलब भाई ये बंडल का बाहर साइड में आप लोग को ऐसा काला पट्टी से बना हुआ देखने को मिलेगा और बाकी अंदर के साइड आप लोग को पूरा ब्लू देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग भी देखी तो ये बंडल भी देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा। और देखो ये बंडल में भी आप लोग को एक स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब भाई ये बंडल यूज करके जब भी आप लोग मेडिकेट यूज करोगे तब आप लोग को ये बंडल में भी कुछ एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और गाइस उसी के साथ यहाँ पे देखो इन्हीं दोनों बढ़ने के टाइम आप सबको गेम के अंदर ये सारे रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। जैसे गाइस आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो रेड बंडल के टाइम आप सबको गेम के अंदर ये वाला बैक की स्किन देखने को मिलेगा, जो बैक की स्किन कोई नॉर्मल नहीं बल्कि लेजेंडरी बैक की स्किन रहेगा, जिसमें आप लोग को काफी लेजेंडरी एनिमेशन भी देखने को मिलेगा, जो की आप लोग स्क्रीन पे देखिए तो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा। और गाइस ऐसे उसी के साथ यहाँ पे देखो ब्लू बढ़ने के टाइम आप सबको गेम के अंदर ये कटाना का स्किन देखने को मिलेगा, जो कटाना का स्किन भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि लेजेंडरी कटाना का स्किन रहेगा। तो देखो जो भी अगर आप लोग भी ये सारे रिवॉर्ड निकालना चाहते हो या हमारे गेम के अंदर आने वाला दोनों न्यू लेजेंडरी बंडल को निकालना चाहते हो, ये रिंग इवेंट का वर्ड जरूर कर लेना। क्योंकि गाइस अभी मैं आप लोग को ये जो रिंग इवेंट का रिव्यू करके दिखा रहा है, ये वाला रिंग इवेंट आप सबको गेम के अंदर इसी मंथ का लास्ट तक देखने को मिलेगा, नहीं तो गाइस 100% नेक्स्ट मंथ का 8 या 10 तारीख के दिन देखने को मिल जाएगा। और बाकी चलो गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के बारे में। मतलब गाइस हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट कौन सा गोल्ड रॉयल आएगा और आने वाला गोल्ड रॉयल में
आप लोग को कौन सा बंडल देखने को मिलेगा। चलो अभी मैं आप लोग को बंडल का रिव्यू करके दिखा देता हूँ। पर गाइस उससे पहले अगर आप लोग आज की वीडियो अभी तक देख रहे हो लाइक करना भूल गए तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर लो। और बाकी देखो अगर आप लोग में से कोई ये चैनल में पहली बार है तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये चैनल में आप लोग को डेली ऐसे ही अपकमिंग अपडेट अपकमिंग इवेंट रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। और गाइस यहाँ पे देखो अभी के टाइम पे तो आप सबको हमारे गेम के अंदर ही वाला गोल्ड रॉयल देखने को मिल रहा है, जिस गोल्ड रॉयल में तो आप लोग को ये मेल बंडल देखने को मिल रहा। और बाकी यहाँ पे देखो ये गोल्ड रॉयल तो हमारे गेम के अंदर से 26 दिन के बाद चला जाएगा, जिसके बाद एक न्यू गोल्ड रॉयल आएगा। तो गाइस आने वाला नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में आप लोग को कौन सा बंडल देखने को मिलेगा, चलो अभी मैं आप लोग को बंडल का रिव्यू करके दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो ये वाला फीमेल बंडल आप सबको हमारे गेम का नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस तुमने बिल्कुल सही सुना, अभी आप लोग को स्क्रीन में ये जो चिल्ली चिल्ली नेम वाला फीमेल बंडल देखने को मिल रहा, यही वाला फीमेल बंडल आप सबको हमारे गेम का नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली 100% कंफर्म हो चुका है। और गाइस बाकी देखो मेरे को तो ये वाला फीमेल बंडल इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, पर देखो जो भी हो गोल्ड रॉयल के हिसाब से तो मेरे को ये बंडल ठीक ठाक ही लग रहा। पर देखो आप लोग को ये वाला बंडल कैसा लगा कॉमेंट पे जरूर बता देना। और चला गाइस वीडियो में आगे बढ़कर बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में, यानी गेम के अंदर आने वाला रेड बनी बंडल के बारे में। मतलब गाइस हमारे गेम के अंदर रेड बनी बंडल कब यानी कौन सा डेट को और कौन सा इवेंट में आएगा, चलो आप लोग को भी बता देता हूँ। हाँ तो देखो अगर आप लोग मेरा रोज वीडियो देखते हो तो आप लोग तो जानते हैं, बस कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैं आप लोग को ये रिंग इवेंट का रिव्यू करके दिखाया था, जिसमें आप लोग को ये बोला था कि हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्दी ऐसे एक रिंग इवेंट आएगा, जिस रिंग इवेंट में आप लोग को सबसे पहले रेड बनी बंडल देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ये रिंग इवेंट में रेड बनी बंडल की तरफ आने वाला वॉल स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, बैक की स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, उसी के साथ एक न्यू गन स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारे गेम का G36 गन का स्क्रीन रहेगा। और देखो आप लोगों को तो ये भी बोला था कि ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर सितंबर मंथ पे देखने को मिलेगा, पर देखो अभी ये कैंसिल हो गया। जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, सितंबर मंथ यानी इसी मंथ पे हमारे गेम के अंदर बनी की टीम से ये रिंग इवेंट आने वाला था, पर देखो अभी कैंसिल हो गया। और गाइस कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि इसी मंथ पे हमारे गेम के अंदर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे पेड इवेंट आया है, जिन सारे पेड इवेंट के बारे में तो आप लोग को इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को तो ऑलरेडी गेम के अंदर ये सारे पेड इवेंट देखने को मिल ही गया। और देखो बस यही नहीं बल्कि इसी मंथ का लास्ट तक हमारे गेम के अंदर और बहुत सारे पेड इवेंट भी आएगा, इसलिए इसी मंथ पे गेम के अंदर आप लोग को रेड बनी बंडल का इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, इसी मंथ पे आप सबको गेम के अंदर रेड बनी बंडल का इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। पर देखो जो भी आप लोग इतना भी टेंशन मत लेना, क्योंकि गाइस फाइनली ऑफिशियली 100% कंफर्म हो चुका है, अक्टूबर मंथ पे आप सबको हमारे गेम के अंदर रेड बनी बंडल का इवेंट देखने को मिलेगा। जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, अक्टूबर मंथ का 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में 100% आप सबको हमारे गेम के अंदर रेड बनी बंडल के दिन आने वाला यह रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जिस रिंग इवेंट में आप सबको ये सारे रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग स्पिन करके भी निकाल पाओगे नहीं तो टोकन एक्सचेंज करके भी निकाल पाओगे। हाँ तो देखो अगर आप लोग भी रेड बनी बंडल निकालना चाहते हो या रेड बनी बंडल के दिन आने वाला कोई भी रिवॉर्ड निकालना चाहते हो हमारे गेम के अंदर आने वाला यह रिंग इवेंट का वर्ड जरूर कर लेना। और गाइस बाकी देखो अगर आप लोग आज की वीडियो अभी तक देख रहे हो पर लाइक करना भूल गए तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर लो। और हाँ अगर आप लोग में से कोई ये चैनल में पहली बार है तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि देखो ये चैनल पे आप लोगों को डेली ऐसे अपकमिंग अपडेट अपकमिंग इवेंट रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। और गाइस और एक बात ध्यान से सुन लो, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितने भी इवेंट के बारे में बताया वो सारे इवेंट के अलावा अगर आप लोग और कुछ इवेंट के बारे में जानना चाहते हो कॉमेंट पर जरूर बता देना, क्योंकि गाइस ये वीडियो के अंदर आप लोग जो भी कॉमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 100% रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी चलो आज के लिए इतना ही, मिलते और जुड़े के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।